विश्वासघात बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात बंद करो, बंद करो। विश्वासघात बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात बंद करो, बंद करो। हमारी संस्कृति पहचान सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। हमारी संस्कृति पहचान सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। जनता के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर की जनता का हो सुरक्षित करने का इंतजार। जम्मू कश्मीर की जनता को मिले अधिकार, मिले सरकार चुनने का। जम्मू कश्मीर की जनता को मिले सरकार चुनने का अधिकार। जम्मू कश्मीर की जनता को मिले सरकार चुनने का अधिकार। जम्मू कश्मीर की जनता को मिले सरकार चुनने का अधिकार। जम्मू कश्मीर के साथ विश्वासघात बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर के साथ विश्वासघात बंद करो, बंद करो। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर की जनता को मिले कश्मीर की जनता को मिले सरकार चुनने का अधिकार। जम्मू कश्मीर की जनता को मिले सरकार चुनने का अधिकार। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात बंद करो, बंद करो। हमारी संस्कृति के साथ विश्वासघात बंद करो। देखिए हाल ही के अंदर आज जो है चुनाव आयोग का बड़ा हैरत अंगेज फैसला आया जो सुनने के अंदर मिला समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर गैर कश्मीरियों को, गैर जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी यहां पर वोट का अधिकार दे दिया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या अब बीजेपी जम्मू कश्मीर के गैर कश्मीरियों के दम पर, बाहरियों के दम पर यहाँ पर सत्ता हथियाने की जो है एक साजिश रची जा रही है, सोची समझी? देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों से लगातार हम आवाज़ बुलंद कर रहे थे उन विदेशी लोगों की, उन बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ, उन रोहिंग्यों के खिलाफ जिनके पास, जो जम्मू कश्मीर में आकर बसे थे और काफ़ी हद तक हम उनको जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ने के मुहिम के अंदर कामयाब भी हो चुके थे। उनके पास जम्मू कश्मीर का भारत सरकार का आधार कार्ड तक उनके पास है। तो मैं बीजेपी के और चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ कि इनको कैसे अलग किया जाएगा? क्या अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों के साथ विदेशियों को भी यहाँ पर वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा? ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बीजेपी समझ चुकी है लोगों के आकांक्षाओं को, भाग चुकी है कि लोग इस समय, जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी से घोर निराशा के अंदर है, उनसे भारी उनके जो निराशा है उसके अंदर, और जिसको आप छुपाने के लिए बीजेपी को पता है कि स्थानीय लोगों के दम पर वह जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नहीं बना सकती। तो अब एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर की संस्कृति को, पहचान को प्रभावित करने के लिए बाहरी लोगों को, गैर जम्मू कश्मीर के लोगों को, गैर स्थानीय लोगों को वोट का हक दिया गया है, जिसका शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर इसका विरोध करती है और जम्मू कश्मीर के तमाम संगठनों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपील करती है कि वे बाहर निकलें, सड़कों पर उतरें और सरकार को ये फैसला वापस लेने पर मजबूर करें, क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार वहां के स्थानीय लोगों के मतदान से होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के अधिकार का हनन है और एक तरह की दोहरी राजनीति, दोहरा लोकतंत्र।